हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हाफ कॉलर अत्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैन पल्ले को लेना है और इसकी सीधी साइड हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमने अत्तर वाला पल्ला लिया है, इसमें जो प्लेट का निशान लगाया है हमने, तो वो हमने नीचे की तरफ रखा है। तो इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की हम कटिंग करेंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से हाफ कॉलर ब्लाउज बनाया है, ठीक है। फिर हमें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखी सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम इसमें पलेटें सिलेंगे। आगे वाले पल्ले में हमारी 4 पलेटें सिली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी पलेटें सिली हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पल्ले में आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखना है, पल्ले को सीधा रखे, ठीक है। और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। ऊपर से जो हमने आधा इंच की पट्टी छोड़ी थी, तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें ऊपर छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई हमारी 12 इंच है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमने अत्तर वाली पट्टी रखी है। तो इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है, इसको भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है।
अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। तो हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो मैन पल्ले को हमें इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हम अत्तर वाला पल्ला रखेंगे और इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा मैन पल्ला है इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले को कपड़े पर चिपका लिया है, इसमें हमें कट लगाना है। और साथ में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें भी हमें बीच सेंटर पर निशान लगाना है और इसको हम क्या करेंगे, सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच हम नीचे की तरफ इस गले को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे दोनों निशान हैं इन दोनों को इस तरह से मिलाना है और बीच में सिलाई लगाएंगे। निशान लगाने से क्या होता है कि जो हमारा गला है वो बिल्कुल बीच सेंटर पर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से हमें कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पट्टी है इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई को लगा लेते हैं। इसमें हमने प्रेस लगा दी थी, इससे हमारी सिलाई आसानी से लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पतली वाली लेस को लिया है और जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है तो उसी साइज में हम इस तरह से लेस को सिलेंगे। इससे जो हमारा गला है वो और भी सुंदर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बची हुई लेस की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हल्की सी लेस को होल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें पूरे में
डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गला है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पलेटें सिल लेते हैं। इस तरह से 1 इंच चौड़ी पलेट को सिलना है। तो हमने प्लेट को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का हमें ऊपर मार्जिन छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम कॉलर की लंबाई 5 इंच रखेंगे। तो इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। तो हमने देखी कॉलर की पट्टी कटिंग करी है, इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई हमने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस कॉलर को सिलेंगे। कपड़े की जो सीधी साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखा है, ठीक है। तो नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर हमें कॉलर वाली पट्टी को रखना है और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमारा कॉलर सिलकर तैयार हो गया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे, ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे। दोनों कट को इस तरह से मिलाना है, ठीक है। और मिलाने के बाद हम आधी साइड में कॉलर को सिलेंगे। देखिए इसी तरीके से आपको भी कॉलर को सिल लेना है। यहाँ पर हम सिलाई को निकालेंगे नहीं, ब्लाउज को घुमाकर दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ करेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है और इसमें देखिए हमने साइड में कट लगाए हैं और कट हमने इसलिए लगाया है कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने के बाद शोल्डर के पास यहाँ पर देखिए सिलवट नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी कट लगा देना है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर निशान लगाया है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमने
13 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो सबसे पहले हमने मेन बाजू को लिया है और उसके ऊपर अत्तर वाली बाजू रखी है। तो दोनों को इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और बाद में पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी सिला है। अब हम इसमें दोनों में लेस को इस तरह से रखेंगे और लेस को सिल लेते हैं। तो हमने लेस को भी सिल लिया है, अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज को लेना है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, बाजू में जो हमारा बीच सेंटर पर कट है वो हमने शोल्डर के बीचों बीच रखा है। तो इस तरह से मिलाकर सिलाई लगाएंगे। और साइड में जो हमारा कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, ठीक है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा हाफ कॉलर अत्तर वाला ब्लाउज सिल का तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए पीछे की तरफ हमारा कुछ इस तरह से गला आया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं विनती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।